ठीक है, चलो चलते हैं। ये डॉक्टर गुप्ता का क्लिनिक है। हाय। हेलो हेलो, बैठ जाओ बैठ जाओ। हेलो डॉक्टर अंकल, माय नेम इज तरुण और ये मेरी बहन तानिया है। हाउ नाइस टू मीट यू तरुण एंड तानिया। आपके माँ बाप कहाँ हैं? वो लोग आए नहीं साथ में? हम तो अकेले आए हैं। अंकल हम ना आपसे कुछ पूछ रहे हैं, आप हमारी हेल्प करोगे ना? हाँ जरूर करूँगा, लेकिन आपके माँ पिताजी को पता है कि आप दोनों यहाँ पर अकेले आए हैं? हम तो अकेले आए हैं। वी आर ट्विन्स एंड वी आर 9 years old। क्या पूछना है आप लोगों को मुझसे, डॉक्टर गुप्ता से? है पहले आप बताओ, मेरे लेग्स के बीच में एक छोटी सी पाइप क्यों है, तानिया को क्यों नहीं है? बेटा वो एक्चुअली वो आप बेटा वो आपका सुसु पॉइंट है, नरीमन पॉइंट, सुसु पॉइंट, मेन पॉइंट। एंड तानिया के पास नहीं है क्योंकि शी इज अ गर्ल, यू आर अ करेक्ट, इसीलिए। जाओ 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 जाओ। डॉक्टर अंकल, मम्मा पापा एक दूसरे के लिप्स क्यों टच करते हैं, उससे क्या होता है? ओ बुद्धू, इट्स किसिंग यार, देखो कैसे पता? इंटरनेट बाबा म्यूजिक वीडियो नहीं देखता है क्या? मैंने बहुत बार देखा है रात को छुप छुप कर। ये तो बुरी बात है ना? ऐसा देखना नहीं चाहिए आपको। और इसमें माँ बाप जब किस करते हैं कोई बुरी बात नहीं है इसमें, दे आर शोइंग देयर अफेक्शन एंड लव फॉर ईच अदर, जिसकी वजह से तुम दोनों आ गए हो। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। चाहिए, मेरे पास बहुत काम है। अंकल आपको भी भगवान जी ने भेजा है या? भगवान जी ने भेजा है? क्यों बेटी? नहीं अंकल, आप सच्ची सच्ची बताओ ना, हम मम्मी के टामे में कैसे आते हैं? देखिए बोली तुलत दिल के कोठे भगवान दादा का गाना तो सुना होगा ना आप लोगों ने नाम बड़े और दर्शन छोटे ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा तुमने बेटी। क्या होता है कि जब भगवान ऊपर से देखता है कि दो लोग एक दूसरे से बहुत प्रेम करते हैं, तो भगवान सोचता है कि दोनों को गिफ्ट देना चाहिए। कभी कभार दो लोग इतने प्रेम करते हैं, भगवान सोचते हैं इनको दो गिफ्ट देना चाहिए, इसलिए भगवान ने तुम्हारे मम्मी पापा को दो गिफ्ट दिए, तुम दोनों साथ में पैदा हुए। That's why you're a twins। डॉक्टर अंकल, टीचर बोलते हैं मम्मा से पूछो, मम्मा बोलते हैं भगवान जी, भगवान जी तो हम लोग ने देखे नहीं है, इसलिए हम आपके पास आ गए। हाँ तो एक काम कीजिए, अनुपम अंकल से पूछो ना, मुझसे क्यों पूछ रहे हो? देखिए क्या है ना कि आपके मम्मी पापा है ना, एक दूसरे प्यार करते हैं और उन दोनों के प्यार की वजह से आप दोनों हैं। सब लोग ऐसे ही आते हैं, नहीं समझ में आया? I'll explain। मम्मा पापा जब किस करते हैं ना, तुम हो जाते हो। ओ नो तानिया, क्यों, क्या हुआ? Yesterday I kissed one girl। अब क्या होगा? ऐसा नहीं होता, क्या है कि ये जो है मेन पॉइंट, बेसिकली ये ट्रेन बन जाता है, ट्रेन स्टेशन पहुंच जाता है, स्टेशन पहुंच जाने के बाद बच्चा पैदा हो जाते हैं, लेकिन फिलहाल आपका इंजन चलने नहीं लगा, उसके लिए टाइम है। और जब आप बड़े हो जाओगे, टीनेजर हो जाओगे, तब आपको आपके ऑर्गन्स रिएक्ट करने लगेंगे टुवर्ड्स मेल एंड फीमेल, तभी आपको कुछ नहीं करना चाहिए, तब आपको कंट्रोल करना चाहिए। बेटर होगा कि आप ये सब चीज़ें करें, किसिंग जैसे आपके मम्मी पापा करते हैं, आफ्टर मैरिज। आफ्टर मैरिज करोगे तो ट्रेन स्टेशन में पहुंच जाएगा और स्टेशन सॉरी प्लेटफॉर्म में निकलेगा एक बच्चा बिल्कुल आपकी तरह क्यूटी क्यूटी पाई, ओके अंडरस्टूड? और जो बाकी है ना, जाके अपने घर पे गुजू 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 गुजू, समझ गया ना? हाँ, इसके आगे मैं आप लोगों को कुछ बता नहीं सकता हूँ। बाकी जो कुछ भी पूछना है घर जाकर अपने मम्मी पापा से, दादा दादी से, नाना नानी से, किसी से भी पूछ लीजिएगा, वॉचमैन से नहीं, लेकिन मुझे बख्श दीजिएगा प्लीज। When did the last time you make baby? Actually, बेटा आइसक्रीम खाओगे? बहुत गर्मी हो गई है ना?
हेलो टिक 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 सबा देखो बेटा जिंदगी भगवान की देन है और जीवन दान एक मिरेकल है चमत्कार है इसे हमें सेलिब्रेट करना चाहिए वैसे मैं बहुत खुश हूँ कि आप दोनों यहाँ पर आकर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर कर दिए आप दोनों ने इस उम्र में आई एम वेरी हैप्पी प्राउड ऑफ यू गुड थैंक यू अंकल आपने तो हमारी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी अंकल हमने ना आपको हमने सबको पूछा पर किसी ने सही जवाब नहीं दिया इसके लिए हम लोग ने न्यूज़पेपर में देखा आपकी एड्रेस और हम लोग आपके पास आए अरे बहुत बहुत शुक्रिया कि आप दोनों मेरे पास आए आज तो मैं धन्य हो गया हूँ आपकी मम्मी पापा आपको ढूंढ रहे हो गया अभी जाइएगा ओके सुनो अपने दोस्तों को भी समझा देना कि मैंने आपको क्या समझाया था है ना ट्रेन स्टेशन समझ गया ना ताकि वो लोग यहाँ मेरे पास फिर से ना आए आपकी तरह गॉड ब्लेस दिस जनरेशन India Wants to Know is a very, very relevant film because I think all of us do understand and believe that India is surely having a lot of sex, 1.36 billion people. So this is quite a serious issue and also the statistics of the fact that 1 in 5 women below the age of 17 actually deliver a child. Wow, that is a serious statistic to be considered. And last but not the least, the one issue that really all of us are plagued with as Indians is that we don't talk about sex, whether at school, whether at home, whether within the friend circle, nobody talks about sex. So I think the conversation on sex is not a privilege anymore, it's a necessity.